तो क्या हुआ था कि पहले मेरा सिंगिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है और छोटे छोटे बच्चों को टीचिंग भी करवाता था उस टाइम। मैं गरीब घर में पैदा तो हुआ था, बट सपना ऐसा देखता था कि लाख रुपया महीना कमाना, मुझे लाखों महीना कमाना। अब कैसे कमाना है ये नहीं पता था उस टाइम। अभी मैं इतना कमा रहा हूँ कि मान के चलो कि मैं मंथली आराम से एक स्विफ्ट तो निकाल ही सकता हूँ। बायोग्राफी इन हिंदी। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर की जिसकी कहानी सुनकर आप जोश से भर जाएंगे। इस यूट्यूबर ने मेहनत और लगन के साथ आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आज इसके जैसा हर कोई बनना चाहता है और उससे मिलना भी चाहता है। और गाइस, शर्त के मुताबिक मैं इस वीडियो के एंड में अपनी टीम मेंबर्स के नाम और उनके काम के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। सो चलिए गाइस, आपके साथ इस वीडियो के सफर को, उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करें। इस यूट्यूबर का नाम मनोज दे है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस यूट्यूबर ने शुरुआती समय में अपने छत की सीढ़ियों पर बैठकर वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मनोज दे का खुद का आलीशान स्टूडियो है जिस पर बैठकर मनोज दे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और उनको एडिट भी करते हैं। मनोज दे ने अपने नाम पर ही यूट्यूब चैनल का नाम मनोज दे रखा है। इस यूट्यूब चैनल पर मनोज दे यूट्यूब से जुड़े टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताते हैं। अगर हम इनके सब्सक्राइबर्स की बात करें तो अब के समय में इनके 40 लाख से भी ज्यादा के सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। मनोज दे का पूरा नाम मनोज कुमार दे है। मनोज दे का जन्म 12 जुलाई 1997 को झारखंड के धनबाद जिले में हुआ था। मनोज दे की 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई है। मनोज दे ने बाद में ग्रेजुएशन और ITI का कोर्स भी किया हुआ है। मनोज दे एक साधारण गरीब परिवार से थे। मनोज दे के पिताजी साइकिल रिपेयर का काम किया करते थे। इसी काम से मनोज दे के परिवार का गुजारा हुआ करता था। गुजारा मतलब घर की जरूरतें पूरी हुआ करती थी। अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मनोज दे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने पिताजी की मदद किया करते थे। मनोज दे एक बहुत ही मेहनती लड़के थे। 2016 में मनोज दे को यूट्यूब के बारे में पता चला। एक बार मनोज दे ने अपने दोस्त के मोबाइल में यूट्यूब पर एक वीडियो देखा। वो वीडियो और किसी का नहीं बल्कि जाने माने यूट्यूबर धर्मेंद्र सर द स्मार्ट स्पोर्ट यूट्यूब चैनल का एक वीडियो था। उस वीडियो को देखने के बाद मनोज दे को लगा कि अगर कोई इंसान इस तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाकर नाम और पैसा दोनों एक साथ कमा सकता है तो वो क्यों नहीं। फिर मनोज दे यूट्यूब की ओर आकर्षित होते गए और मनोज दे को इन चीजों पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। आखिरकार मनोज दे ने 2 नवंबर 2016 को YouTube पर अपना एक YouTube चैनल बना लिया और उसका नाम टेक्निकल मनोज रखा। आपको यकीन नहीं होगा कि शुरुआती समय में मनोज दे के पास कोई भी कैमरा नहीं था और ना ही फोन में रिचार्ज करवाने के लिए पैसे थे। मनोज दे अपने दोस्तों से पैसा उधार लिया करते थे और फोन में रिचार्ज डलवा कर यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड किया करते थे। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मनोज दे अपनी वीडियोस को छत की सीढ़ियों पर बैठकर बनाया करते थे और इन सब में उनके भाई भी उनकी सहायता किया करते थे। फिर मनोज दे ने इस चैनल पर लगातार मेहनत करके वीडियोस डालना शुरू किया और कुछ समय बाद मनोज दे की मेहनत रंग लाई और उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन कुछ कारणों के चलते कुछ समय बाद उसके चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया। मैं आजकल आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाता हूं क्योंकि फ्रेंड्स जो है मेरा एडसेंस ब्लॉक हो गया। मनोज दे ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और 4 महीने तक अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी काम नहीं किया। मानो जैसे 4 महीने तक उनका कोई यूट्यूब चैनल था ही नहीं। गाइस, मेरा एक मानना है कि कोई भी व्यक्ति एकदम से सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचता। हर किसी को शुरुआती समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं। लेकिन कई लोग इन मुश्किलों से घबरा कर पीछे हट जाते हैं और वही जो लोग मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं, मुश्किलों का हल ढूंढते हैं, वही लोग सफलता का ताज पहनते हैं। 4 महीने के बाद मनोज दे ने दोबारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और इस बार चैनल का नाम मनोज दे रखा और आज यही चैनल सफलता के शिखर पर पहुंचा हुआ है। यह सब मनोज दे की लगन और मेहनत के कारण ही हो सका है। मनोज दे इस चैनल पर YouTube के टिप्स ट्रिक्स और रिव्यू के वीडियोस अपलोड करते हैं और अब इस चैनल पर 40 लाख से भी ज्यादा के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मनोज दे के अंदर कोई भी गलत आदत नहीं है, ना तो वह शराब पीते हैं और ना ही वह स्मोक करते हैं। मनोज दे अब एक सफल और प्रसिद्ध इंडियन यूट्यूबरों में से एक है। वह यूट्यूब से तो कमाते ही है, वही इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग से भी उनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। मैं उनकी मंथली इनकम के बारे में एकदम से तो नहीं बता सकता, फिर भी मनोज दे यूट्यूब से लगभग 1 महीने
महीने में 1 से 2 लाख तक की कमाई कर लेते हैं। सो गाइस, आई होप आप इस वीडियो से जरा भी मोटिवेट हुए होंगे और अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करेंगे। सो गाइस, अब मैं स्क्रीन पर अपनी टीम मेंबर्स के नाम और उनके काम को मेंशन कर देता हूँ। एंड वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, जानने को मिला, मोटिवेशन मिला तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।